हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। 7 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म 72 होरिया। फिल्म आखिर क्या है? क्या हमें ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं? क्या है इस फिल्म का खास? कहीं ये फिल्म भी एक प्रोपोगंडा तो नहीं है? तो चलिए इस वीडियो में सारी बातें साफ तौर पर जानते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। कहीं कहीं प्रोपोगंडा की मोहर लगने वाली कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी के बाद अब 72 होरिया बड़े पर्दे पर उतर चुकी है। IMDb में 10 में 9.1 रेटिंग में रही ये फिल्म, मुझे नहीं लगता कि ये प्रोपोगंडा होगी। तो आखिर क्या है इस फिल्म की कहानी, चलिए जानते हैं। तो उससे पहले इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिल्म 72 होरिया की कहानी के मुताबिक दो पाकिस्तान आतंकवादी बिलाल और हकीम, जो कि रोल कर रहे आमिर और पवन मल्होत्रा, वो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास ब्लास्ट में कई लोगों की जान ले चुके होते हैं, जो आपको फिल्म की शुरुआती में ही बताया जाता है। और इसी ब्लास्ट में वो दोनों अपनी जान भी गंवा चुके होते हैं और हकीम और बिलाल की रूह फिलहाल जन्नत में जाकर 72 हूरों से मिलने का इंतजार करते हुए इधर उधर भटकती रहती होती है। आप लोगों ने भी कई फिल्मों में या कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि जो टेररिस्ट बनते हैं उनको जन्नत में क्या क्या होगा वो बताकर बहला फुसलाया जाता है। तो इस फिल्म पर भी इन दोनों को मौलाना सादिक, जो कि रशीद नाज उसका एक्टिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया था कि अगर वे काफिरों यानी दुश्मनों को सबक सिखाएंगे तो उन्हें जन्नत में 72 होरें मिलेंगी, साथ ही उनमें 40 मर्दों की ताकत भी भर जाएगी, मतलब अय्याशी करने का लाइसेंस मिलेगा। तो इसी के लालच में वो लोग ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं करते हैं और असल में ऐसा हो भी रहा है। लेकिन हकीम और बिलाल, जो कि बॉम्ब ब्लास्ट करके जन्नत पहुंच गए थे, उनकी रूह यानी आत्मा को ऐसा कुछ भी हासिल नहीं होता। वो दोनों की आत्मा दिन महीने और साल भर जन्नत और हूरों का इंतजार करती रहती है और दोनों मौलाना सादिक, जिसने ये सब कहकर भड़काया था, उसको भी जी भर कर कोसते रहते हैं। शहादत की जंग जीत कर जब तुम जन्नत में जाओगे तो खुद को 72 हूरों के आगोश में पाओगे, इस प्रकार की भड़काऊ बात कहकर टेररिस्ट के लीडर लोग मासूम बच्चों और युवाओं को अपने टीम में लेते हैं और उनसे बड़े बड़े क्राइम करवाते हैं। तो ये फिल्म की खास बात यह है कि ये फिल्म नौजवानों को ऐसे ही लालच देने वाले लोग, भ्रम में फंसाने वाले लोगों से बचने का अलर्ट करती है। आपको बता दें कि सिनेमा घरों में रिलीज होने से पहले इस फिल्म को गोवा में होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जा चुका है और इस फिल्म के डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान को इस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुका है। फिल्म के स्टोरी के बारे में बात करें तो फिल्म की शुरुआत हल्के फुल्के अंदाज में होती है, लेकिन धीरे धीरे ये आपको अपनी ओर खींच लेती है। फिल्म की कहानी 72 हूरों की चाहत में दूसरे इंसानों की जान लेने वाले युवाओं के दिमाग पर ये फिल्म जोर डालती नजर आएंगी कि कैसे उन्हें झूठे रंगीन ख्वाब दिखाकर बेवकूफ बनाया जाता है। अगर आपने ये फिल्म देख चुके हैं तो अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखें। अब बात करें कि इस फिल्म को देखें या नहीं, तो मेरा कहना यह है कि फिल्म को एक अनोखे अंदाज में बनाई गई है। यहाँ आपको रोमांस एक्शन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, पर इस फिल्म में मनोरंजन की बजाय अपने समझ की लेवल बढ़ाने के लिए जरूर देखना चाहिए। आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।